फर्जीवाड़े को रोका नहीं गया। मनीष शर्मा नाम का व्यक्ति जो था वो मोम जैसे पदार्थ से आधार कार्ड की बायोमेट्रिक मशीन पे रखकर फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश कर रहा था और एक व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था। तो संदेह हुआ, तो संदेह होने पर उनसे पूछा गया कि ये, पुलिस ने जब पूछा कि क्या गतिविधि है तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये जो पटवारी परीक्षा भी हुई है जो मध्य प्रदेश में, उसमें उस समय हुई नहीं थी, चल रही थी। तो उनका ये कहना था कि इसमें ये मूल अभ्यर्थी के स्थान पे सॉल्वर बिठाने की वो चल रही है, मतलब ये वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मूल अभ्यर्थी हैं उनके फिंगरप्रिंट के स्थान पर आधार कार्ड में जो सॉल्वर बिठाएंगे उनके फिंगरप्रिंट को जो लगा दिए जाएंगे जिससे सॉल्वर को बिठा के और परीक्षा में व्यवधान और वो पैदा किया जा सके जाके। आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में किसी भर्ती परीक्षा के ऊपर इस तरीके से फर्जीवाड़े घोटाले के आरोप लगे हो। इससे पहले कृषि विस्तार अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था उसके ऊपर भी ऐसे ही धांधलीबाजी के आरोप लगे थे। MPTET वर्ग 3 की परीक्षा के दौरान भी फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे और ऐसे कई आरोप इससे पहले भी प्रदेश सरकार के ऊपर लगते आए हैं, वो भी भर्ती परीक्षा में धांधलीबाजी के। और अब जब हम बात कर रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा की, तो एग्जाम से ठीक 5 दिन पहले जब पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार किया उसके बाद भी पूरे प्रदेश में पुलिस एक्टिव नहीं हुई।